यार तुझे पता है यार, ये लोग इसराइल को सपोर्ट करते हैं। बस कर दे भाई, खुदा का वास्ता है तुझे यार, क्या बच्चों वाली बातें करता है ये। अबे इन्हीं ब्रांच में तुम्हारे बहन भाई काम करते हैं। खैरियत है? शरीर की बात सोना वाला नहीं, जाग रहे हो अभी तक? नहीं, नींद कहाँ आती है मैं। क्यों, कोई वेब सीरीज देख रहे हो क्या आजकल? कहाँ से आ रहा? केएफसी से, शहरी फोड़ के। फोड़ के मतलब? जहाँ फोड़ने का लफ्ज आ जाए ना भैया, तो समझ लो फ्री में खाया है। फ्री में कोई जहर देगा तो खा लेगा। जहर क्यों भाई, बेस्ट क्वालिटी फूड है, बाहर का ब्रांड है। तुम्हारे वो रफीक भाई के गंदे पसीने वाले तेल में गली जिंगर नहीं है जो तुम खाते हो यूं करके। गलाजत यार, तुझे पता है यार, ये लोग इसराइल को सपोर्ट करते हैं। बस कर दे भाई, खुदा का वास्ता है तुझे यार, क्या बच्चों वाली बातें करता है ये। अबे इन्हीं ब्रांड्स में तुम्हारे बहन भाई काम करते हैं, जॉब करते हैं। अगर इन्हीं को बॉयकॉट करोगे तो तुम्हारे बहन भाइयों की तो जॉब के तो लाले लग जाएंगे यार। तो यार आप खुद देखो ना। ये बड़ू क्या क्या खाते वहां पे जाके? पूरा बकेट। कितने का बकेट? होगा 1200-1400 का। अबे मुझे क्या है, मैंने कौन सा पैसे दिए, मुफ्त में खाया था। 22 करोड़ से ज्यादा आवाम है हमारी, और मैं समझता हूँ कि 25% तो केएफसी के बारे में जानते ही होंगे, खाते ही होंगे, लेकिन मैं सिर्फ सेफ्टी के लिए 10% लगाता हूँ। 22 करोड़ का 10% है 22 लाख। 22 लाख लोग रोज नहीं, सिर्फ हफ्ते में एक बार भी तुम्हारा बकेट नहीं है 1200 रुपये वाला, सिर्फ 550 रुपये का बर्गर भी खाएंगे ना हफ्ते में सिर्फ एक बार, तो कैलकुलेशन क्या आती है पता है? 1,21,00,000,000 रुपये हफ्ते के। और अगर मैं उसके प्रॉफिट की बात करूँ ना, तो वैसे तो 15-20% होगा रॉयल्टी मिला के, फ्रेंचाइज फीस मिला के, लेकिन मैं अगर मिनिमम साइड पे भी 5% निकालूँ तो 7,05,00,000 रुपये बनते हैं एक हफ्ते के। और ये पैसे जाते हैं वहाँ से राइट, फिर वो सपोर्ट करते हैं हमारे मुसलमान बहन भाइयों को मारने के लिए, उन्हें कत्लेआम करने के लिए। और ऐसी ये एक प्रोडक्ट है जो आपकी टॉप फेवरेट है, इसको आप छोड़ नहीं पा रहे, इसको खाए बगैर आप मर जाएंगे शायद। इस तरह की 1000 हैं प्रोडक्ट्स जिसको आप इस्तेमाल करते हैं और खाते पीते हैं फ़खर से। और अब ये ना बोलना कि इससे मेडिसिन भी शामिल है, ये भी शामिल है, तुम भी इस्तेमाल करते होगे। मजबूरी में और अयाशी में बड़ा फ़र्क है, थोड़ा सा तो बाइकआउट करो। वहाँ बेचारे फलस्तीनी मुसलमान हमें मदद के लिए पुकार रहे हैं, और वो लोग समझ रहे हैं कि हम लोग मदद के लिए जाएंगे। उनको क्या पता बेचारों कि हम लोग तो इसराइली प्रोडक्ट का सही तरीके से बायकॉट ही नहीं कर पा रहे। बेचारे फलस्तीनी, शर्म आनी चाहिए यार हमें अपने आप पर। पर वो जिनकी जॉब खत्म हो जाएगी उनका क्या होगा? अगर एक तरफ एक इंसान की जान जा रही और दूसरी तरफ एक मुसलमान की सिर्फ नौकरी जा रही है, तो किसको बचाओगे, इंसान की जान या एक बेरोजगार की नौकरी? जान बचाऊंगा। मैं ये नहीं कह रहा कि आप वहां पर जाके उनको बचाएं, आप खुद को बचा लें आखिरत के उस अजाब से और उस सवाल से जो हर एक मुसलमान से किए जाएंगे कि तुमने उस मौके पे क्या किया। और वहां ये नहीं बोल देना अल्लाह मियां केएफसी का टेस्ट बहुत अच्छा है, क्वालिटी बहुत बेस्ट है, हमारे पास ऐसे ब्रांड ही नहीं है, क्या करें रहा नहीं जा रहा था, वो भी तो रिस्क है ना अल्लाह मियां। क्योंकि वहां पर अल्लाह तुम्हारा यूं फैसला करेगा कि वो तुम्हारी नीयत भी जानता है और वो तुम्हारे दिलों का हाल भी जानता है। तू पूछ रहा था ना तुम लोगों को नींद क्यों नहीं आती है? हम दोनों पूरी रात बैठ के मोबाइल फोन के ऊपर फलस्तीनी मासूम बच्चों की लाशें देखते रहते, हर एक सेकंड में एक नई वीडियो, हर एक सेकंड में एक नया बच्चा, एक नई बच्ची। एक बाप अपने छोटे से बच्चे की लाश को अपनी गोद में लेके और उसके हाथ में चॉकलेट दे रहा था, क्योंकि कुछ देर पहले उसका बच्चा अपने बाप से चॉकलेट मांग रहा था, और थोड़ी ही देर बाद कुछ ही लम्हे में उसके बच्चे की लाश उसकी गोद में थी, उसकी जख्मी लाश। एक बार अपने बच्चे का जिक्र करो, जब वो दर्द तुम्हारे सीने में होगा ना, तुम्हें उस दर्द का एहसास होगा, तो आइंदा ऐसी बहस नहीं करोगे तुम। शो तुझे एक बात बताऊं, मैं मेरे अपने जितने भी मार्ट्स हैं ना, ताजी भी जानता है, मैंने अपने तमाम मार्ट्स के अंदर वो सारी प्रोडक्ट जो है वो निकाल दिए हैं जिन पर बायकॉट चल रहा है, और उनका अल्टरनेटिव भी रखा है। और जब उन कंपनी से कोई सेल्समैन आता है ना,
बड़ी बड़ी ऑफरें लेकर हज के टूर कराने के लिए, उम्रे की टूर कराने के लिए पैकेजेस देता है ना, तो मैं उनको पता है क्या कहता हूँ, वो रहा दरवाजा और दफा हो जाइए आप। हाँ, और अगर तुम्हें लोगों की जॉब्स की इतनी फिक्र है तो दो उनको रोजगार, बनाओ कोई ऑल्टरनेटिव पाकिस्तानी ब्रांड। ये बहुत अच्छा मौका है एक मुसलमान के लिए अपने पाँव पे खड़े होने का पाकिस्तान में, और इस तरह पाकिस्तान भी अपने पाँव पे खड़ा हो जाएगा और हमें किसी भी यहूदी कंट्री से एड लेने की जरूरत नहीं पड़ेगी, ना हम उनके मोहताज रहेंगे, और इतना ज़्यादा मार्केटिंग करने की जरूरत भी नहीं है, लोग ऑलरेडी सपोर्ट करने को तैयार हैं, इवन के नॉन मुस्लिम भी, क्योंकि दुनिया भर में नॉन मुस्लिम भी फलस्तीन को सपोर्ट कर रहे हैं और इसराइल के खिलाफ एहतजाज कर रहे हैं, सिवाय तुम जैसे लोगों के। यार तुम लोगों का बहुत बहुत शुक्रिया, पता नहीं क्यों इतनी सी बात मुझे समझ नहीं आ रही थी। खैर, अल्लाह ताला ने तुम लोगों के जरिए मुझे हिदायत भेजी, मैं भी अपने जैसे माइंडसेट वाले लोगों को तब्दील दूंगा ताकि वो भी बॉयकॉट करें।